बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ अब्दुल मनान और आप देख रहे हैं चकवार रिएक्शंस। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्यों नहीं किया, चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी नई वीडियो से आपको आगाही मिलती रह जाए। जैसे कि हमारी नई वीडियो आए तो आपके पास जल्द से जल्द पहुँच जाए, इसलिए साथ बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर दें। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन करने लगे हैं वो वीडियो है मिस्टर इंडियन हैकर, जो इंडिया के सबसे बड़े यूट्यूबर हैं जिनके अभी 20 मिलियन सब्सक्राइबर होने वाले हैं, उनकी एक वीडियो है। तो उस पर हम रिएक्शन करने लगे हैं। बगैर किसी देर के हम वीडियो को शुरू करते हैं। स्काई शॉट। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमारे पास है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 डिब्बे, यानी कि 10 डिब्बों के अंदर है पूरे 20 स्काई शॉट। और जनरली सभी लोग स्काई शॉट को ऊपर आसमान में चलाते हैं, लेकिन मैंने बताया ना आपको कितनी बार कि हम थोड़े से उल्टे किस्म के लोग हैं। जब भी कहते हैं ना कि हम उल्टे किस्म के लोग हैं तो वीडियो को उल्टी कर देते हैं। इसीलिए हम क्या करने वाले हैं, हम स्काई शॉट को जमीन पे चलाने वाले हैं। जी हाँ गाइस, क्योंकि देखो यार ऊपर आकाश के अंदर तो इसके दिमाग के साथ यकीनन कुछ ना कुछ है, प्रॉब्लम है। तब जब स्काई शॉट के गोले जाते हैं और वो फूटते हैं तो वो ऊपर से दिखते हैं और दूर जाने के बाद थोड़ा सा कम एरिया अपने को देखने को मिलता है, लेकिन जब अपन जमीन पे चलाएंगे तो अच्छे से देख पाएंगे पास से कि भाई जो स्काई शॉट है वो उसका नजारा कैसा होता है, वो किस तरीके से फूटते हैं। तो इनका भी एक तरीका है, देखो ये मैंने एक स्काई शॉट लिया और इसके ऊपर की साइड से यहाँ से मैंने इसे और ये इसने क्या किया, ऊपर से फाड़ दिया। जैसे ही मैं इस स्काई शॉट को जमीन पर कुछ इस तरीके से मारूंगा, देखना पागल हो गया मेरे ख्याल से, ये पता नहीं क्या कर रहा है। ये क्या हो गया यार, ये तो मुझे इसके पता अंदर नहीं अंदर से क्या निकला है। अरे रुको एक मिनट रुको, ये देखो गाइस यार ये क्या निकल गया। मैंने तो सोचा इसके अंदर जो गोला है वो बाहर आएगा, लेकिन वो तो बाहर आया नहीं और इसके अंदर से पता नहीं क्या क्या चीजें निकल गई। ये देखो गाइस, और ये सारा बारूद गिर गया जो शेल को ऊपर भेजता है आकाश में, और ये रहा। तो गाइस ये काम की ये चीज आपने निकल लाई है, वो चीज जो कि ऊपर जाके आसमान में धमाका करती है। देखो ये गोला होता है। तो आइडिया ये है कि हम इन सभी स्काई शॉट के गोलों को बाहर निकालेंगे और फिर इनको एक जगह पे जमीन पे इकट्ठा करेंगे। अभी इसका आइडिया बहुत अजीब सा लग रहा है, जैसे ये वीडियो जब बनेगी तो फिर बहुत जबरदस्त हो और फिर जाएगा। इन सभी को एक साथ चलाएंगे और फिर देखते हैं कि इस वीडियो के अंदर कितना मजा आता है या फिर जमीन पे चलने पर स्काई शॉट किस तरीके से दिखाई देते हैं। निकालो लोंडो निकालो, सब बीच में से निकाल रहे हैं, वो जो निकली है ना बॉल से जो ऊपर जाके तो फटती है वो टाइटेनियम है। आप ऐसा कुछ भी घर पे करने की कोशिश मत कीजिएगा। ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हैं कि हमने सभी 20 स्काई शॉट्स के अंदर से ये जो स्काई शॉट सेल्स है इन्हें निकाल लिया है। एक इन्होंने आप सब में से जो ये शेल है स्काई शॉट वाला, ये सब में से निकाल लिया है। आगे आप देखते हैं क्या करता है इसके साथ। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 होने चाहिए ये, क्योंकि 16, 17, 20 स्काई शॉट थे 19, 20। और ये बाल्टी भर के तैयार हो गए हमारे 20 पूरे हो शॉट के शेले से लग रहा है जैसे ग्रेनेड हो। तो चलो इन्हें लेके चलते और जमीन पे भी इन्हें चलाते हैं, फिर देखते क्या होता है। बस यहाँ से सेफ जगह पे जाना होगा ताकि किसी को कोई भी परेशानी ना हो। आप ये जब भी कोई भी वीडियो बनाते हैं तो हमेशा एक सेफ जगह पे जाके वीडियो बनाते हैं ताकि आसपास किसी को कोई नुकसान ना हो। कुछ भी ट्राई करने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा, सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस हमने स्काई शॉट की शेल्स को यहाँ पे कुछ इस तरीके से लगा तो दिया है, लेकिन सबकी फट रही है क्योंकि यार पहली बार ऐसा हो रहा है कि स्काई शॉट के जो शेल है वो जमीन पे चल रहे, कैसे फटेंगे, कहाँ तक आएंगे, कितनी दूर तक का एरिया कवर होगा। सबसे ज्यादा फट रही है कैमरा मैन होगी, तो उनके लिए वीडियो को लाइक कर देना। और आइडिया कैमरा मैन क्योंकि करीब रहते हैं, वीडियो उन्होंने शूट करनी होती है, उनके लिए मुश्किल होता है, तो इसलिए उनका ज्यादा डर लग रहा है। हमने इनको इस तरीके से रख दिया है और ये जो बारूद है जो कि उसी के अंदर से निकला है क्या, स्काई शॉट के अंदर से ही, तो इनको हल्का हल्का सा यहाँ पे डाल देते हैं ताकि जो है स्काई शॉट की ये जो शेल्स है इनके अंदर आग लग जाए अच्छे से।
ऑलराइट गाइस, सारी चीजें सेव ये सारा बारूद डाल रहे हैं अंदर ऐसे गोल में, ताकि और डाल देना फुल इसके फुल साथ फुल बारूद किले डाल के लाइन लगा लें और इसको आग लगा दें, इजीली इनसे कोई नुकसान ना हो, ताकि ठीक है गाइस अभी थोड़ी सी ये लाइन सबको को एक डाल साथ देते आग लग जाए। ये लाइन लगा रहा है बारूद की, ताकि इसको आग लगा के ये आगे पीछे होने का इनको टाइम मिल जाए। जब वीडियो बनाते हैं तो फुल सेफ्टी के गाइस, साथ वीडियो बनाते बारूद हैं ये। खत्म, अभी करते हैं सब भाग जाओ यहाँ से, अभी करते हैं 3 2 1। ओ आग लगी, लगी आग, और स्काई शॉट को भी आग लगी है। ओए 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 ओए, ये क्या हुआ है, एकदम सब फ्रूज। ओए 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 ओए, बहुत जबरदस्त व्यू बना है, बनना तो 5-6 सेकंड के लिए ही है, या कम सब उड़ गया है, लेकिन व्यू बहुत जबरदस्त बना। और ये अब ड्रोन शॉट है, ड्रोन शॉट का व्यू है, और ड्रोन शॉट का व्यू जो होता है हमेशा ही जबरदस्त होता है। मजा आ गया जी, मजा आ गया वीडियो देख के। स्लो मोशन में दिखा रहे हैं आप, स्लो मोशन में ये वो चीज है ना, जब आप शादियों में जाते हैं वो पाकिस्तान में तो शनरली इसको बोलते हैं, या वो जनरली बोलते हैं इसको लगाते हैं तो ऊपर जाके या आसमान में पड़ती है तो रंग निकलते हैं, ये वो चीज़ें इन्होंने ज़मीन पे जलाई है। बहुत ज़बरदस्त व्यू है ये, तकरीबन 8 से 9 कैमरों के जरिए व्यू शूट करते हैं और हर एंगल से शूट करते हैं, इस वजह से इनका व्यू बहुत ज़बरदस्त आता है। इसके एक्सपेरिमेंट सुनने में तो बहुत अजीब से होते हैं, लेकिन जब बंदा देखता है तो देख के मज़ा ही आता है। एक दम यकदम हुआ और सब एक ही बार, ये 5 से 6 सेकंड की गेम है और सब खत्म। किधर गए हैं दिलराज भाई को, तब किधर गए हैं, गायब हो गए हैं, सब ने देख लिया व्यू बहुत। और ब्लू जो कलर आया ना बीच में बहुत जबरदस्त। ये दिलराज भाई जब आते हैं ना हमेशा वीडियो का मजा बना देते हैं। ये बार बिल्कुल सही किया कि तारे जमीन पे आ गए, इतनी क्लास वीडियो, इतनी क्लास, बहुत जबरदस्त वीडियो थी। तो गाइस यार यकीनन आप देख सकते हैं कि यहाँ से ऐसे गाड़ी गई सर और एकदम से सारे एकदम ही ब्लास्ट हुए दम, और मतलब कि आज जो नजारा था यकीनन एक नंबर था, एक अच्छा नंबर नजारा था, सच्ची बात है। सारी चीजें परफेक्ट तरीके से काम करी क्योंकि प्री प्लानिंग काफी अच्छी थी। तो गाइस यार अगर ये नजारा देख के आपको मजा आया, दिवाली को अगर आपको लगा यार कि हमने कुछ किया है
तो वीडियो को लाइक करना यार प्लीज। अगर आपको भी लगा है कि वीडियो में अच्छी बनी है तो वीडियो को लाजमी लाइक कर दें। इस यार गाइस, देखो खर्चा भी होता है, मेहनत भी होती है, रिस्क भी होती है, लेकिन आपके चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कान लाने के लिए सब जायज। तो आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए हैप्पी दिवाली, बी सेफ, जय हिंद। बहुत जबरदस्त वीडियो थी, इतना सपोर्ट देने के लिए यहाँ से इसके 20 मिलियन सब्सक्राइबर होने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ जी आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। मेरे ब्लॉगिंग चैनल का लिंक और मेरे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में आ जाकर तो मुझे फॉलो भी करें और सेकंड चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि हम नई रिएक्शन वीडियो किस पे बनाएं। आपसे मिलते हैं कल, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।